Hello there everyone, good morning to you all and welcome back to my channel. I hope you all are doing really really well. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू एंड डेमो ऑफ स्विस ब्यूटी क्रेज बेसिक मल्टी फेस पैलेट विद 4 प्रोडक्ट्स इन इट. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी. आई एम नॉट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग. लोगों को नहीं पता कि मैंने अमेजोन से अभी थोड़े दिन पहले परचेज किया था. मैंने आप लोगों के साथ एक कंप्लीट हॉल शेयर करा था जिसमें मैंने आपको बोला था कि इसका रिव्यू और डेमो मैं बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ. नाउ दैट यू नो आई बॉट इट फ्रॉम अमेजोन. ये प्रोडक्ट जो है ना ये आपको मिल जाता है अंडर 500 रुपीज. लाइक अगर आप नायका पर देखोगे आपको 450-480 अराउंड मिल जाता है. अमेजोन पर भी आपको इतने प्राइस में मिल जाता है. स्विस ब्यूटी की वेबसाइट पर कई बार आपको 420 तक भी मिल जाता है. सो दिस इज बेसिकली स्विस ब्यूटी क्रेज बेसिक मल्टी फेस पैलेट. तो यहाँ पे आपको इस तरीके से 4 प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. व्हेन यू ओपन अप द फर्स्ट प्रोडक्ट यू आर गेटिंग अ फुल साइज मिरर हेयर. पहला प्रोडक्ट मिलता है आपको इस तरीके का एक पाउडर प्रोडक्ट जिसको आप ब्लश की तरह यूज कर सकते हो. नेक्स्ट अब आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल शिमरी सा शेड मिल रहा है. आप इसको एज आई शैडो और हाईलाइटर भी यूज कर सकते हो. देन वी अगेन हैव अ हाईलाइटर जिसको अगेन आप एज आई शैडो भी यूज कर सकते हो. लास्टली वी हैव अ क्रीम प्रोडक्ट हियर जिसको आप एज अ टिंट एंड एज अ लिपस्टिक यूज कर सकते हो. तो इसमें ना बेसिकली 2 शेड आते हैं, सोल्यूल्यू एंड डेल्यूल्यू. मेरे पास जो यहाँ पे शेड है वो है 02 सोल्यूल्यू बिकॉज इसमें सारे पिंक अंडरटोन के शेड्स हैं. यू गाइस नो आई प्रेफर पिंक शेड्स. जो शेड 1 है डेल्यूल्यू उसमें बेसिकली ऑरेंजी एंड कोरली टाइप के ज्यादा शेड्स हैं. तो टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू आपको ऑरेंज चाहिए, कोरल या फिर पिंक चाहिए, आप अपना शेड चूज कर सकते हो. 2 के अलावा इसमें और शेड्स नहीं है. इफ यू टॉक अबाउट द क्वांटिटी आपको इन टोटल 6 ग्राम्स की आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिल रही है. दिस इज मैन्युफैक्चर इन 2024, इसी साल मैन्युफैक्चर हुआ एंड यू कैन यूज इट टिल 2028, सो दैट मीन्स 4 ईयर. तो आई फील लाइक टाइम स्पैन भी आपको बहुत अच्छा सा मिल रहा है. नाउ जैसे मैं आपको प्रोडक्ट ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लेट्स जस्ट टॉक वंस अगेन अबाउट देम. यहाँ पे फर्स्ट अप तो आपको मिल रहा है एक ब्लश. आप इसको अपनी चीक्स पर यूज कर सकते हो एज अ ब्लश. यू कैन ऑल्सो यूज इट ऑन योर आईज एज आई शेडो. आप उसको क्रीज पर लगा लो, पूरी पूरी आईलेट पर लगा लो, लोअर लैशेस पर लगा सकते हो. देन यू आर गेटिंग अ डार्कर स्पार्कली पिंक शेड. इसमें थोड़े थोड़े चंकी पार्टिकल्स हैं. नाउ बिकॉज इट हैज चंकी पार्टिकल्स इन इट आप इसको एज एन आई शेडो यूज कर सकते हो या फिर इफ यू हैव डीप एंड डस्की स्किन टोन तब ये वाला शेड आप इसको एज अ हाईलाइट यूज कर सकते हो बिकॉज फेयर और व्हीटिश पे वो वाला पर्टिकुलर एरिया आपका बहुत डार्क लगने लग जाएगा. ठीक है, तो एज एन आई शेडो इट मोस्टली वर्क्स. देन आपको एक कंपेरेटिवली लाइटर पीची पिंक कलर का यहाँ पे हाईलाइटर शेड मिल रहा है. नाउ दिस शेड डज नॉट हैव एनी चंकी पार्टिकल्स इन इट, तो ये हाईलाइटर कितना बहुत अच्छा वर्क करेगा. एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट ऑन योर आईज अगर आपको थोड़ा सा शिमर अप्लाई करना है अपनी आईज के ऊपर. एंड देन फाइनली एज वी हैव अ क्रीम प्रोडक्ट. नाउ इस प्रोडक्ट को आप लिप्स पर यूज कर सकते हो एज अ टिंट लाइक आई हैव अप्लाइड. आप इसको अपने यू नो चीक्स पर अप्लाई कर सकते हो एज अ क्रीम ब्लश. देन आप उसको पाउडर ब्लश की हेल्प से टॉप इट ऑफ कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो यूज इट ऑन योर आईज लिड पर यूज करके आप उसको ब्लेंड आउट कर सकते हो विद द पाउडर प्रोडक्ट. सो लेट मी जस्ट शो यू हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस लुक ऑन माय फेस राइट नाउ. एंड ट्रस्ट मी आई डू नॉट इवन हैव एनी बेस ऑन माय फेस. लाइक मैंने कंसीलर वगैरह कुछ नहीं किया बट स्टिल यू कैन टेक अ लुक एट दैट फेस. ऐसा लग रहा है कि मैंने फुल फेस ऑफ बहुत ही बढ़िया सा मेकअप कर रखा. सो लेट्स जस्ट सी हाउ आई डिड दैट. सबसे पहले मैं पिक कर रही हूँ इसका एक क्रीम प्रोडक्ट ऑन अ ब्रश लाइक दिस. आप कोई भी अपना ब्लश ब्रश यूज़ कर सकते हो बट ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, आप फिंगर की हेल्प से भी इसको अप्लाई कर सकते हो. जस्ट रब इट ऑन द बैक ऑफ योर हैंड्स और या फिर आप फिंगर्स में ही इसको रब करके अच्छे से लगा सकते हो वार्म अप करके, ताकि आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाए. यू कैन टेक अ लुक एट दैट. मेरे फेस पर इस टाइम कोई बेस नहीं है बट स्टिल कलर कितना अच्छा अपीयर हो रहा है. सो सेम क्रीम प्रोडक्ट को मैंने अप्लाई करा था अपने लिप्स पे टू सी कि एज अ लिपस्टिक कैसे वर्क करेगा. बहुत ही अमेजिंग इसने यहाँ पे एक टिंट दिया था. एंड द थिंग आई लव द मोस्ट कि बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा था. बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कुछ लिप बाम लगा रखा है या कुछ ग्लॉस लगा रखा है. ऐसा लग रहा था कि नेचुरल लिप कलर है. इट्स वॉज काइंड ऑफ एन MLBB शेड विच आई टोटली लव्ड. तो आप डेफिनेटली इसको एज अ लिपस्टिक भी वेयर कर सकते हो अगर आप अच्छे से लगाओगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश एंड एवरीथिंग. बहुत सही कलर यहाँ अपीयर हो रहा था. तो ब्लश को थोड़ा और इंटेंसिफाई करने के लिए मैंने जो यहाँ पे आपको पाउडर ब्लश मिलता है ना उसको पिक किया था विद द हेल्प ऑफ अ ब्लश ब्रश और उसको अप्लाई किया था. इसने उसको मैटिफाई भी कर दिया और आप खुद देख सकते हो कलर कितना ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया था. सो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सिर्फ पाउडर ब्लश लगा सकते हो और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीमी ब्लश लगा सकते हो या फिर आप दोनों भी कर सकते हो.
सो वंस आई वॉज डन विद दैट, मैं ना यहाँ पे जो ये पाउडर ब्लश कलर है इसको अपना आई मेकअप के लिए यूज़ करने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑल ओवर माई क्रीज. अगर आप चाहो तो पूरी की पूरी आईलेट पर भी लगा सकते हो. कलर अभी उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे मैंने कुछ कंसीलर वगैरह नहीं लगा रखा था, तो आपकी आईज़ पर वैसी थोड़ी पिगमेंटेशन होती है, बट आप स्टिल देख सकते हो पिंक कलर अपीयर हो गया है. एंड ये जो डार्कर पिंक शेड था इसको मैं लेके अपनी पूरी की पूरी आईलेट पर लगाने वाली हूँ. एंड ना इसमें थोड़ा सा मोनोक्रोम टाइप का इफेक्ट भी था, हल्का हल्का ब्लूइश और पिंकिश टाइप की रिफ्लेक्शन आ रही थी इसके अंदर, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी. तो इसको मैंने अप्लाई करा था ऑल ओवर माय लिड. अगर आप चाहो तो वो लाइट वाला जो कलर है ना उसको भी लगा सकते हो. एंड दैट इज़ इट. यहाँ पे आई मेकअप के लिए दो चीज़ें आपको बहुत हो जाती हैं. एंड देन जो इसमें हाइलाइटर शेड है, इट्स काइंड ऑफ अ पीची पिंक हाइलाइटर, बहुत ही प्यारा हाइलाइटर गाइज, आप खुद देख सकते हो. आई वॉज लिटरली अमेज्ड बाय द रिजल्ट. फर्स्ट अप, इसके अंदर कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा पाउडरी नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉल आउट नहीं था उसका, और इतनी नेचुरल शीन दे रहा था स्किन के ऊपर. इट वाज लिटरली लुकिंग कि मैंने बहुत ही ज़्यादा हाई एंड और कॉस्टली यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रखा है, बट आई टोटली लव्ड इट. इतने प्राइस में आपको इतना अमेजिंग यहाँ पे प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं मिल सकता है. सो आई अप्लाइड इट ऑल ओवर माई फेस, बेसिकली जो हाई पॉइंट्स होते हैं. एंड यू कैन टेक अ लुक एट द रिजल्ट योर सेल्फ. ब्राउ बोन को हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज उससे आपकी ब्राउज भी बहुत ही ज़्यादा स्नैश्ड और बहुत ही ज़्यादा शार्प लगती है. एंड हेयर इज द फाइनल लुक. गाइज कैन टेक अ लुक बाय योरसेल्फ. ऑल राइट गाइज, इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपने खुद देख लिया है कि कैसे आप सिर्फ एक प्रोडक्ट से पूरा फुल फेस ऑफ मेकअप कर सकते हो. सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने यूज किया था वो था टिंट. अगर मैं टिंट की बात करूँ, द टिंट इज वेरी कम्फर्टेबल ऑन द लिप्स. यू कैन टेक अ लुक एट दैट. The color is very very pretty. It's giving a very natural look. Like अगर आपको lipstick, lip balm, lip gloss कुछ लगाने का मन नहीं है, आप सिर्फ ये वाला tint लगा लो. It's a creamy sort of product. जिस तरीके से cream blushes होते हैं ये बिल्कुल उस तरीके का लग रहा है और आपको एकदम natural look देगा. Like आपको अगर कहीं फटाफट बाहर जाना है, सिर्फ हल्का सा product आपने लगाया अपने lips के ऊपर, हल्का सा fingers पे रब करके अपने cheeks पर लगा लो, eyes पर लगा लो, and you're literally good to go. But वो सिर्फ आप तभी करना अगर आपकी dry skin है. अगर आपकी oily skin है तो आपको cream product को powder से set करना पड़ेगा. नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे क्योंकि एक पाउडर ब्लश भी मिल रहा है, आप उसको डायरेक्टली एज अ ब्लश भी यूज कर सकते हो इफ यू हैव ऑयली स्किन. टिंट आप सिर्फ लिप्स पर अप्लाई कर लो, अपने चीक्स पर आप अपना पाउडर ब्लश अप्लाई कर सकते हो और उससे आप अपना आई मेकअप भी कर सकते हो. नाउ बिकॉज यू आर गेटिंग टू शिमरी शेड्स हियर, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, जो डार्कर शेड है उसमें चंकी पार्टिकल्स हैं, जैसे इस टाइम पे आपको मेरी आईज पर दिख रहा होगा. The darker shade has a little bit of chunky particles in it, तो वो आई शेडो की तरह ज्यादा बेटर वर्क करेगा. लेकिन अगर आपको चंकी पार्टिकल्स थोड़े बहुत हाईलाइटर में विजिबल हो भी रहे हैं तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको एज अ हाईलाइटर लगा सकते हो. बट क्योंकि वो शेड थोड़ा सा डार्कर है, फेयर और वीटिश और मीडियम स्किन टोन पे ये उतना अच्छा नहीं लगेगा. ऐसा लगेगा कि उतना पर्टिकुलर एरिया बहुत डार्क अपीयर हो रहा है, तो ये डस्की स्किन टोन पे चला जाएगा. और जो लाइटर शिमरी शेड है, that does not have any chunky particles in it, तो आप उसको एज अ हाईलाइटर यूज कर सकते हो. यू कैन टोटली टेक अ लुक एट दैट. मेरा फेस इतना बॉम ग्लोई लग रहा है, लाइक जिस तरीके से मैंने एक बहुत ही हाई एंड यू नो हाईलाइटर अप्लाई कर रखा हो, बहुत ही अच्छा ग्लास स्किन केयर कर रखा हो, उस तरीके से मेरी स्किन इस टाइम पे अपियर हो रही है. स्विस ब्यूटी हाईलाइटर लिटरली बहुत अमेजिंग है. इनका टेक मी एनी वेयर पैलेट का भी मैं अगर हाईलाइटर उठा लू ना, इतना बढ़िया वर्क करता है. पर्सनली आई फील लाइक कि अगर आप कहीं बाहर ट्रैवलिंग पे जा रहे हो या फिर आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, आप बहुत सारा मेकअप कैरी करना प्रेफर नहीं करते. यू आर समवन हुज लाइक अ मोर ऑफ लिपस्टिक एंड ब्लश गर्ली, हल्का सा हाइलाइटर उनको चाहिए होता है, तो आप लिटरली सिर्फ ये एक चीज रख लो और अपना साथ में रख लो मस्कारा, उसी को अपनी ब्राउज पर यूज कर लेना एंड यू आर लिटरली गुड टू गो. यू डोंट इवन नीड एनी थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट, बिकॉज आप देख सकते थे कि मैंने यहाँ पे कुछ कंसीलर वगैरह भी अप्लाई नहीं कर रखा था. ठीक है, इनकेस यू फील लाइक कि क्या पता मैंने कंसीलर अप्लाई कर रखा हो, हेयर इज अ वेट वाइप. आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम क्लीन है. अगर मैं अपनी अंडर आईज पे अभी भी क्लीन करूँ ना, यू कैन स्टिल टेक अ लुक एट दैट. कोई यहाँ पे कंसीलर वगैरह मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा, ये पिंक प्रोडक्ट ही निकल रहा होगा बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव अप्लाई. तो अगर आपको लिटरली एक नो मेकअप लुक करना है ना, ये प्रोडक्ट और ये पैलेट बहुत अच्छे तरीके से वर्क करने वाला है. और नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्रैवलिंग पे जाने वाली हूँ, डेफिनेटली कैरिंग दिस विद मी. इसका जो फाइन लिंक है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो. मैं अमेजोन का भी दे दूंगी और स्विस ब्यूटी की वेबसाइट का भी दे दूंगी, जहां पे आपको कंपैरेटिवली कम प्राइस देखिए आप वहां से परचेज कर सकते हो. एंड या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी.
If you do, please do not forget to give this video a like, share with your friends and subscribe my channel. Guys, मैं Monday to Friday daily 9 AM in the morning अपनी videos upload करती हूँ, तो notification button को कर देना hit, so that every time I upload a new video, you guys are the first one to get notified. And yeah, that is it. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.